हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज की इस वीडियो में हम मैक्सिमम फ्लो मिनिमम कट थ्योरम करेंगे, जो कि हमारी फोर्ड फुलकरमैन्स मेथड पे बेस्ड है। इससे पहली वीडियो में हमने फोर्ड फुलकरमैन्स मेथड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मैक्सिमम फ्लो मिनिमम कट थ्योरम। तो इस थ्योरम में क्या होता है, हमारे पास एक ग्राफ गिविन होता है, हमें क्या निकालना होता है उसमें मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम फ्लो। इसमें क्या होता है कि जो हम पाथ ढूंढते रहते हैं, हम फोर्ड फुलकरमैन्स में क्या करते थे, पाथ ढूंढते रहते थे जब तक हमारे सारे पाथ खत्म ना हो जाए, सोर्स से सिंक तक हम सारे पाथ ढूंढते रहते थे। तो इसमें क्या है, सोर्स से सिंक तक हमें सारे पाथ ढूंढते ही रहने हैं, और जब रेसिडुअल नेटवर्क में कोई भी पाथ ना बचे तो हमें देखना है कि ऐसी कौन सी एज रिवर्स हो गई जिसकी वजह से हमारा कोई भी पाथ नहीं बचा। जो एज हमारी रिवर्स हो गई उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो हमारी होगी मैक्सिमम फ्लो, मतलब वो हमारी इस ग्राफ की होगी मैक्सिमम फ्लो। और मिनिमम कट, मिनिमम कट मतलब जो एज, जो मतलब हमारी जिस नोड से दूसरी नोड तक की एज थी वो हो जाएगी हमारी मिनिमम कट एज। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, अब हम इसमें फोर फुलकरमैन नहीं लगाएंगे, हम इसमें कोई भी पार्ट ढूंढेंगे सोर्स से सिंक तक का, और इस तरीके से ढूंढेंगे कि हम जो है मैक्सिमम नोड्स को इंक्लूड कर सके। तो मैं एक पाथ ले लेती हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने एक पाथ ले लिया। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा मिनिमम फ्लो क्या है, 2, 4, 1, 3, 2, तो इसमें हमारा मिनिमम फ्लो है 1। तो अब हम अपने ऑगमेंटिंग पाथ में 1 को प्लस कर देंगे। और बाकी सबको हम एज इट इज लिख देंगे। अब इस फ्लो नेटवर्क से हम अपना रेसिडुअल नेटवर्क बनाएंगे। रेसिडुअल नेटवर्क हम कैसे बनाते थे, जैसे अगर हम ये वाली एज ले तो इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी है 3 और फ्लो कितना हो रहा है 1, तो और कितना इसमें फ्लो हो सकता है 2, तो 2 हम इस डायरेक्शन में बना देंगे और जो एग्जिस्टिंग फ्लो हो रहा है वो हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे। तो ये इससे हम अपने रेसिडुअल नेटवर्क को बनाएंगे, जैसे कि 2 हमने इससे बना दिया और 1 हमने अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है और फ्लो है 1, तो और कितना फ्लो हो सकता है 1, तो हमने इसी डायरेक्शन में बना दिया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितना फ्लो हो रहा है वो बना। तो ये हमारा एक रेसिडुअल नेटवर्क। अगर हम इसमें एक पाथ देखें तो हमें एक सीधा सीधा पाथ दिख रहा है, ये वाला यहाँ से और फिर यहाँ से। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारा मिनिमम फ्लो क्या है, इसमें भी हमारा मिनिमम फ्लो है 1। तो आगे हम अपने फ्लो नेटवर्क में इस मिनिमम फ्लो को प्लस करेंगे हमारा जो ऑगमेंटेड पाथ है उसमें। तो हमने अपने ऑगमेंटेड पाथ में इसको प्लस कर दिया है। अब इससे हम अपना रेसिडुअल नेटवर्क बनाएंगे। हमने जब इसमें अपना रेसिडुअल नेटवर्क बनाया और अब हम इसमें पाथ देखें, अगर हम इसमें अब अपना पाथ देखना चाहें तो अगर यहाँ से यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये एज तो हमारी रिवर्स हो गई। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो हमारा पाथ था वो मतलब कितना था, फ्लो हमारा 1 था, जब यहाँ पे हमने प्लस किया तो 2/2, तो 2/2 अगर हम, जब हमने इसका रेसिडुअल नेटवर्क बनाया तो इसमें अब कितना फ्लो होगा, 0, और एग्जिस्टिंग फ्लो कितना है, 2, तो ये एज तो हमारी रिवर्स हो गई। अब अगर यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से भी नहीं जा सकते, फिर अगर यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इस रेसिडुअल नेटवर्क में हमारे पास कोई भी पाथ नहीं बचा, यानी कि हम अपने सारे के सारे पाथ फाइंड कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता था कि हम देखते थे कि ऐसी कौन सी एज रिवर्स हुई है जिसकी वजह से हमारे सारे पाथ बंद हो गए हैं। कौन सी एज रिवर्स हुई है, हमारी V2T हमारी एज रिवर्स हुई है। तो हमारी कट एज कौन सी होगी, V2T, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या थी, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 2, जो कि हमारा हो जाएगा मैक्सिमम फ्लो। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। तो इसी में हमें ये सब करना था, हमें ग्राफ्स में पार्ट ढूंढते जाने थे जब तक हमारे सारे के सारे पार्ट फाइंड आउट ना हो जाए, और फिर हमें जो एज रिवर्स हुई है जिसकी वजह से सारे पार्ट बंद हो गए हैं वो होगी हमारी कट एज, और उसकी कैपेसिटी जो होगी वही होगा हमारा मैक्सिमम फ्लो।
तो ये थी हमारी मैक्सिमम फ्लो मिनिमम कट थ्योरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी नई वीडियोस लाते रहें।